भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबाएं और लाइक वीडियो को भी कर दें। बने रहें, जुड़े रहें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप लोगों का सिद्धार्थ लाइव परिवार में। मेरा नाम है सिद्धार्थ शुक्ला, मैं कर रहा हूं अपना मास्टर्स फ्रॉम एनआईडी। स्वागत करता हूं आप लोगों का फिर से एक और बढ़िया से वीडियो में। थंबनेल आप लोगों ने देख लिया होगा, आज का जो वीडियो है वो डायरेक्टली मैं बना रहा हूं एमटेक रिसर्च एनआईटी सूरतकल के ऊपर। जैसे कि पता है एमटेक रिसर्च एनआईटी सूरतकल के फॉर्म्स आउट हो चुके हैं, जिन लोगों को नहीं पता है तो उसको इस वीडियो के थ्रू पता चल जाएगा। यहां पर हम लोग बहुत कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे एमटेक रिसर्च एनआईटी सूरतकल को लेकर। जैसे उसका सेफ स्कोर क्या होना चाहिए, एलिजिबिलिटी क्या होती है, किन लोगों को अप्लाई करना चाहिए, फिर आगे रिटर्न इंटरव्यू कैसा होगा, इस चीज की हम पूरा डिस्कशन करेंगे। क्योंकि ऑलरेडी पिछले साल मैं अपियर हुआ था, इसके लिए मैंने इसके इंटरव्यूज भी दिए थे डिजाइन के लिए, सीडीएस के लिए। इसके अपार्ट फ्रॉम मेरा खुद के दोस्त अभी वहां पर एमटेक रिसर्च में पढ़ रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं एक लाइन से। सबसे पहले मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन ब्रोचर दिखाता हूं, जिसमें आपको डेट दिखाता हूं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिखाता हूं और पूरा सीट मैट्रिक्स दिखाता हूं। चलिए देखो पहले आप लोग इन्फॉर्मेशन ब्रोचर। अब आप लोग यहां पर देख सकते हैं एमटेक रिसर्च में, देखिए यहां पर सिविल के अंदर 5 ब्रांचेस अवेलेबल हैं। स्ट्रक्चरल है, जियोटेक्निकल, एनवायरनमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट। यहाँ पर वाटर रिसोर्स में भी देखिए 3 ब्रांच है, मरीन वाटर रिसोर्स, रिमोट सेंसिंग। मैकेनिकल में 4 ब्रांचेस हैं, मेगाट्रॉनिक्स, थर्मल, मशीन डिजाइन। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में VLSI, कम्युनिकेशन सिग्नल प्रोसेसिंग। केमिकल में केमिकल है, एनवायरनमेंट है, इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी है। मटेरियल में प्रोसेस मटेरियल, नैनो है। पावर सिस्टम इंफॉर्मेशन, CSE, CSE IT, रॉक एक्सट्रवेशन, ठीक है। ये सब एमटेक रिसर्च में देखिए पूरे आपको दिख रहे हैं, ये सारे एमटेक रिसर्च में ये ब्रांचेस अलाउड हैं। चलिए यहाँ पे देखिए कंप्यूटेशनल एंड डेटा साइंस हो गई आपकी, और ये बाकी ब्रांचेस को छोड़ दीजिए। मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे तो देखिए यहाँ पर 6.5 CGPA लिखा हुआ है। 6.5 CGPA मिनिमम क्राइटेरिया हो, 60% अगर आप लोगों की यूनिवर्सिटी परसेंटेज में देती है मार्कशीट तो 60% है, और SC ST के लिए यहाँ 50% रखा गया। पर आप ये देख सकते हैं पूरा दिया हुआ है ना, कौन कौन सी ब्रांचेज हैं, किस किस में अलाउड हैं, सब कुछ दिया हुआ है। देखिए पूरा दिया हुआ है, आप इसमें से चेक करके अप्लाई कर सकते हो। डेट वगैरह के देखो 15/7 इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की, और यहाँ पे देखो 31/8 तक आपका सब कुछ हो जाएगा। इंटरव्यू वगैरह की डेट दी यहाँ पे 4/8 दी है। प्रोविजनल सिलेक्शन मेरिट लिस्ट 13 तारीख को आ जाएगी, 13 अगस्त को आ जाएगी। तो ये सारा दिया हुआ है, यहाँ से आप लोग देख लीजिए, ठीक है। ये सारी चीजें मैं टेलीग्राम में अवेलेबल करा दे रहा हूँ, तो टेलीग्राम को जरूर। साथ साथ आप लोगों ने देखा होगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 6.5 CGPA। यहाँ पर क्या होता है कि जैसे IITs में क्या होता है 8 CGPA 9 CGPA वाले को प्रेफरेंस मिल जाता है इंटरव्यू के लिए, यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर ये लोग कोशिश करते हैं सबको प्रेफरेंस दें, लेकिन इस साल मुझे देख के लग रहा है क्योंकि पिछले साल तक बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता था कि NIT सूरतकल में ऐसा कुछ प्रोग्राम होता है, तो इसलिए बहुत सारे लोग भरते नहीं थे। इस साल से हो सकता है कि कट ऑफ थोड़ा सा इंक्रीज कर जाए, लेकिन मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ अगर आपका गेट स्कोर 450-460 से ऊपर है तो आप जरूर अप्लाई करिए, ठीक है। जिन लोगों का गेट स्कोर 550 के आसपास की रेंज में आता है वो लोग डिजाइन में, CDS में, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में, VLSI के एमटेक रिसर्च में अप्लाई जरूर करिएगा। और जिन लोगों का स्कोर 350-400 के अप्रोक्सीमेटली है वो प्रोसेस मेटलर्जी, नैनो टेक्नोलॉजी, मरीन स्ट्रक्चर, इन सारे जो लोग मतलब जो ब्रांचेस हैं जिनका कट ऑफ बहुत कम होता है जनरली CCMT में, उनमें अप्लाई कर दीजिएगा। आपको बहुत ज्यादा कॉल आने के चांसेस यहाँ पर बन जाते हैं। यहाँ पर रिटर्न एंड इंटरव्यू होता है, बट यहाँ पर रिटर्न नहीं होगा मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि अभी कोरोना के सिचुएशन से लास्ट टाइम भी नहीं हुआ था, डायरेक्टली इंटरव्यू हुआ था। आप लोगों को सिंपल सा बता देता हूं, जैसे कि मानो एक एग्जांपल लेते हैं, आपने मैकेनिकल में आपको यहां पर ना हर एप्लीकेशन को सेपरेटली अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे मैन्युफैक्चरिंग के लिए अलग आपको अप्लाई करना होगा, 500 रुपए देने होंगे जनरल कैटेगरी को, SC ST को 150 रुपए देने होंगे, ठीक है। मेगाट्रॉनिक्स के लिए अलग, थर्मल के लिए अलग, डिजाइन के लिए अलग, CDS के लिए अलग, मतलब हर फॉर्म के आपको 500 रुपए अलग से सेपरेटली सबमिट करने पड़ते हैं यहाँ पर, और फॉर्म को भरना पड़ता है। इंटरव्यू का बताता हूँ, अगर आपने एक ही डिपार्टमेंट में अप्लाई किया, जैसे आपने डिजाइन में, थर्मल में, मैन्युफैक्चरिंग में अप्लाई कर दिया, तो आपके कोई 3 अलग अलग इंटरव्यू नहीं होंगे, है ना। उस डिपार्टमेंट का आपका एक ही इंटरव्यू होगा जिसमें कई सारी फैकल्टीज बैठी होंगी, और वो आपसे इंटरव्यू में ही पूछ लेंगे कि आपकी प्रेफरेंस क्या है। उसके हिसाब से वो जब लिस्ट बनाएंगे तो हिसाब से आपको उस कैटेगरी में डाल देंगे कि डिजाइन के लिए आप प्रेफर कर रहे हो या फिर थर्मल के लिए आप प्रेफर कर रहे हो, वो आपसे इंटरव्यू के बीच में ही पूछ लेंगे। और हो सकता है कि इंटरव्यू के बाद वो जल्द से जल्द स्टार्टिंग में ही ना, क्या होता है जैसे अगर आप सिलेक्ट हो जाते तो आपको प्रोजेक्ट भी अलॉट कर दिया जाता है। चलिए ये हो गई एक अलग बात, सेफ स्कोर की बात हो गई।
इंटरव्यू वगैरह की बात हो गई। एक बहुत अच्छा है, देखो यार एमटेक और एमटेक रिसर्च में क्या डिफरेंस है एनआईटी सूरतकल में बता देता हूँ। एमटेक जो रिसर्च होता है उसके पास कोर्स वर्क बहुत कम होता है, और अभी जिस तरीके से ऑनलाइन ये सेशन चल रहा है तो ऑब्वियसली बात है कि इन्हें लैब में भी काम नहीं करना पड़ेगा क्योंकि कॉलेज अभी खुलने वाले नहीं है, तो इनके लिए बहुत आराम हो जाएगा। प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी सेम मिलती है, ठीक है। ये कोर्स जनरली लोग 2 साल में कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन ये 2.5 साल तक एक्सटेंड हो सकता है, और 2.5 साल तक आपको जो 12,500 रुपए है जिसे आईआईटीज में मिलता है आपको मिलता रहेगा। 3 साल तक भी जा सकता है, बट मोस्ट लोगों का 2 साल में ही कंप्लीट हो जाता है। प्लेसमेंट के लिए आप अपियर हो सकते हो, आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी जितना एमटेक वालों को मिलती है, और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि आपको पता है डिजाइन वीएलएस ये सारी ब्रांचेस 750-800 गेट स्कोर में बढ़ती हैं, और आपको ये 550-600 में मिलने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। तो ये जो प्रोग्राम ओवरऑल निकल कर आता है ये बहुत अच्छा है। इसके साथ मैं आपको बताऊं कि इसके ऊपर मैंने एक ऑडियो इंटरव्यू भी रिकॉर्ड किया है, उसकी लिंक मैं आई बटन में भी दे रहा हूं और टेलीग्राम में भी उसको शेयर कर दे रहा हूं, और इस इन्फॉर्मेशन ब्रोचर को डेट्स वगैरह को सबको मैं अपने टेलीग्राम में शेयर कर रहा हूं, तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है। जब इसके इंटरव्यूज होंगे तो मैं इसके इंटरव्यू क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करवा दूंगा, जो इंस्टाग्राम लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में, उधर से हम लोगों के साथ इंस्टाग्राम पे जुड़ जाओ, जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट या इन्फॉर्मेशन चाहिए करे मतलब या कोई डाउट हो तो हम लोगों से मांग लिया करो, ठीक है, हम लोग से इंस्टाग्राम पर पूछ लिया करो, कनेक्ट हो जाओ हमारे साथ इंस्टाग्राम पर। और बस चैनल को अपना प्यार बनाओ यार, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और जल्दी ही एमटेक रिसर्च स्टूडेंट लाइव भी मैं इस चैनल पर लेकर आऊंगा। बने रहें, जुड़े रहें, देखते रहें सिद्धार्थ लाइव सिद्धार्थ शुक्ला के साथ।